आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए और सरकार के सामने समस्या खड़ी करने के लिए अखिलेश यादव ने दिल्ली की राजनीति छोड़ करके उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इस फैसले के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी में जो अंदरूनी रस्साकशी है वो खिंच रही है, समस्याएं खड़ी हो रही हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सत्ता से कैसे लड़ेगी जब वो अपने अंदर की लड़ाई को ही शांत नहीं करा पा रही है। दरअसल लगातार जब से ये फैसला हुआ है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में मौजूद रहेंगे और सरकार के हर फैसले पर सवाल खड़ा करेंगे, सरकार को काम करने में सवाल खड़ा करेंगे और ये जनता के मुद्दों पर जनता की आवाज बनने की कोशिश करेंगे, तब से लगातार जो उनके पार्टी के नेता हैं, जो उनके गठबंधन के नेता हैं, जिन्होंने कई सारे वादे और दावे किए थे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 साल या तो सत्ता में रहकर गुजारे जाएंगे अगर जीत गए तो, और नहीं जीते तो विपक्ष में रह करके आवाज बुलंद की जाएगी, वो गांठें लगातार टूट रही थी। और इसी बीच पार्टी के अपने कुछ नेताओं ने भी अखिलेश यादव के सामने समस्याएं खड़ी कर दी। पहले शिवपाल सिंह यादव, जो कि गठबंधन के सबसे मजबूत नेताओं में से शामिल थे, समाजवादी पार्टी के मजबूत नेताओं में शुमार रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन 5 साल पहले जिस तरह से उन्होंने अपना एक अलग संगठन बना लिया और उसके बाद विधानसभा चुनाव, जो अभी बीता विधानसभा चुनाव है, उसमें एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आकर के ये बताने की कोशिश की कि परिवार में अब सब कुछ ठीक हो गया है और हम एक बार फिर से सत्ता की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आ रहे हैं, क्योंकि जब नतीजे आए तो असल में ये आ रहे नहीं थे, ये साथ में नहीं थे, क्योंकि जैसे ही नतीजे आया अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया कि हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में रहेंगे, विधायकों की बैठक बुलाई गई और उसके बाद शिवपाल यादव की जो अनदेखी हुई उससे वो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कोई और रास्ता चुनूंगा आने वाले दिनों में। रास्ता क्या होगा, ये समय दर समय बीतता जा रहा है और वो रास्ता, वो फैसला भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, लेकिन फैसला होना क्या है इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर यादव, क्योंकि कहा हमेशा से जाता रहा है MY फैक्टर पे ही समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव जीती है और इस बार अगर 125 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत कर आई है तो उसमें MY फैक्टर सबसे अहम रहा है, मतलब मुस्लिम और यादव फैक्टर। लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी से सीनियर नेता है, मुस्लिमों के रहनुमा बताए जाते हैं, वही अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए हैं और उनके नाराज होने के बाद जो छोटे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो ये क्यों हो रहा है? पहले शफीकुर रहमान, जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए थे अपनी अनदेखी और मुस्लिम समाज की अनदेखी के। उसके बाद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत हुसैन ने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में साफ तौर पर इस बात को कहा था कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर आए। आजम खान, उनका पूरा परिवार जेल गया, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी मिलने नहीं आए, अखिलेश यादव ने कभी कोशिश नहीं की। और इसका जो संकेत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दिया था कि अखिलेश यादव ही नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए। और इन बातों का समर्थन करते हुए फसाहत हुसैन ने वीडियो जारी करके ये कहा था कि अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आती है, अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, अखिलेश यादव को मुसलमानों का साथ तो चाहिए, लेकिन वो सत्ता के बाद अखिलेश यादव मुसलमानों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, या फिर विपक्ष में आने के बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, क्यों उन्होंने आजम खान को नेता प्रतिपक्ष के रूप में
कुर्सी पर नहीं बैठाया। ये सारे सवाल जो थे वो फजाहत हुसैन ने खड़े किए थे। हालांकि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहा कि ये जो बयान है ये फजाहत हुसैन का अपना बयान है, इसमें पार्टी का कुछ नहीं है या आजम खान या उनके परिवार का कुछ नहीं है, हो सकता है ये अपना बयान हो। लेकिन अगर ये फजाहत हुसैन का अपना बयान था तो क्यों इस बयान को अभी तक वापस नहीं लिया गया और इस बयान पर किसी प्रकार का कोई दूसरा बयान आजम खान के परिवार की तरफ से जारी नहीं किया गया? ये सवाल बनते हैं। क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर आजम खान के परिवार की तरफ से खंडन नहीं किया गया इस बयान का, ये सवाल बनता है। अब ये तो मामला रहा दो दिन पुराना, अब आज एक और नया मामला खड़ा हो गया समाजवादी पार्टी के सामने, एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। ये एक प्रतापगढ़ में लंबुआ विधानसभा के सचिव हैं, विधानसभा सचिव हैं समाजवादी पार्टी से, सलमान जावेद राइन, इन्होंने आज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और पत्र जारी करके ये कह दिया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के लिए सोचने को तैयार नहीं है, मुसलमानों का उनको साथ नहीं चाहिए, मुसलमानों को वो छल रहे हैं। कई सारे आरोप जो हैं वो सलमान जावेद राइन ने लगाए हैं। तो ये आरोप अब लगातार क्यों खड़े होते जा रहे हैं, वो भी उस पार्टी के लिए जिस पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक सबसे अहम रहा है और उस पार्टी के लिए जिसके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा अपने साथ रखती है, अपने पास रखती है और मुस्लिमों के बल पे ही उत्तर प्रदेश में सत्ता पर पहुंचती है। चार बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, लेकिन आखिर अब ये सारे आरोप जो हैं वो क्यों लग रहे हैं, ये सारे जो सवाल हैं ये अब खड़े होते जा रहे हैं पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। और ये भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एक नया रास्ता तलाशा जा रहा है, जिसमें शिवपाल यादव, जिसमें आजम खान और भी कई नेता जो हैं वो एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का मुद्दा बहुत अहम है कि आखिर जब विपक्ष आपस में इतना बिखरा हुआ है, आपस में इतने टकराव हैं विपक्ष में, तो वो सरकार के सामने, वो मौजूदा सत्ता दल के सामने कैसे समस्या खड़ा करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव अब सरकार के लिए समस्या खड़े करने की बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार दोबारा रिपीट हुई है उसे कल विधान परिषद में भी पूरा बहुमत मिल गया है, लेकिन तब भी हम उसे काम सही तरीके से नहीं करने देंगे अगर वो जनता के विरोध में या जनता के विरुद्ध काम करती है तो। लेकिन पहले अपनी पार्टी को संभालना सबसे अहम चुनौती इस वक्त अखिलेश यादव के सामने आ गई है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। बहुत ही दिलचस्प आज का मुद्दा है, देखिएगा, क्योंकि विपक्षियों से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है और विपक्ष वो है जो जनता की आवाज खुद को बताने की कोशिश करता है। बयान सुनिए। आखिरी सवाल, आजम खान के पीआरओ की तरफ से कहा गया कि अखिलेश जी को हमारे कपड़ों से बू आती है, इस पे आप क्या कहेंगे, क्या सोचना है आपका? अब ये आजम खान साहब या उनके परिवार को अब समझ में आया कि अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम वोटों को, एक मुस्लिम समुदाय को वोट मानते थे, हम लोग उनको इंसान मानते हैं, यही अंतर है। तो वोट मानते थे तो वोट के तक तो वो सही थे, वरना उनके कपड़ों से बू आती है ये बता रहे हैं, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, वो ही बता रहे हैं। बिल्कुल नाराज है, नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये है, हमने तो आपको चार बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई आजम खान साहब ने, फाउंडर मेंबर है आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के, 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाएंगी अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई है। आप इतना बेड़ा दिल भी नहीं कर सकते कि नहीं तो विपक्ष में बनाते, सारी सुविधाएं हम आप पाएंगे और हम जेलों में रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, हम जख्मी हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे, और आप नहीं तो विपक्ष बनेंगे, आप अब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, आप तो वैसे भी एक सीएम थे, आपको तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन ना इतना बड़ा दिल नहीं कर पाए, और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दी, वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। सारा दर्द है जो मुस्लिमों का लगातार निकल रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के, और सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव, ये जो सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं मुस्लिम लीडर्स की तरफ से या फिर उनके अपने साथियों की तरफ से, इसका जवाब अभी तक क्यों नहीं आया है। कई सारी बातें आज एक पत्र के जरिए जो लंबुआ विधानसभा के विधानसभा सचिव हैं सलमान जावेद राइन, उन्होंने खड़े किए हैं और ये पूछा है कि आखिर अखिलेश यादव, जब आजम खान उनका पूरा परिवार जेल में था
तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। ये सारे सवाल, ये सारी जो बातें हैं वो आज यहाँ पर पूछी गई हैं अखिलेश यादव को एक पत्र के माध्यम से, और सलमान जावेद राइन ने इस्तीफा भी दिया है पार्टी से। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब और मजबूत हो गई है, विधान परिषद में पूर्ण बहुमत अब बीजेपी को मिल गया है, 51 सीटें चाहिए होती हैं, 67 सीटें उन्हें मिल गई हैं, विधानसभा में वो पहले ही मजबूत हैं, और लगातार पहले विधानसभा में कमजोर, उसके बाद विधान परिषद में कमजोर, तो ये जो कमजोरी है ये तो पहले कहीं ना कहीं सत्ता के सामने झलक रही थी समाजवादी पार्टी की, और अब ये समस्या और बढ़ जाएगी जब उनके पार्टी के अंदर के ही नेता, उनके पार्टी के ही साथ के नेता समस्याओं में घिरते हुए नजर आएंगे, जब उनके खुद के कार्यकर्ता, जब उनके खुद बड़े नेता सरकार ना होते हुए विपक्ष में अहम भूमिका निभाते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर, उनके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे कि मुसलमानों को छला जा रहा है, मुसलमानों के कपड़ों से बदबू आ रही है। बहुत ही अहम मुद्दा है कि आखिर अब विपक्ष, जो सबसे अहम विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, उसकी आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो तैयार किए गए हैं, क्या जवाब दिए जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सभी मेहमानों से आपको रूबरू कराता हूँ। विनीत शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरिफ महमूद साहब हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, अतीक खान सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, और शबनम खान जी हमारे साथ निषाद पार्टी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं मिसम भाई आप ही के पास आना चाहूँगा। मुद्दा लगातार अब ये बड़ा होता जा रहा है, पहले शिवपाल यादव, उसके बाद आजम खान का मुद्दा, और आज एक और नई फांस खड़ी हो गई आप लोगों के लिए सलमान जावेद राइन की, जो कि विधानसभा सचिव हैं लम्हुआ से, उन्होंने एक पत्र लिख दिया है और उसमें लिखा है कि मुस्लिमों की अनदेखी, मुस्लिमों से समस्या, मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं अखिलेश यादव। ये सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं लेकिन कोई जवाब पार्टी की तरफ से या फिर बड़े नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा है, और नाराजगी भी बड़े नेताओं की ही है इसमें। क्या सवाल, क्या जवाब है इसका? भी होती है, आपकी मतभेद भी होता है, हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी है। और रही बात जावेद राइन जी की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सोशल मीडिया पे आकर के, अगर उन्हें कोई दुख था, उन्हें कोई बात कहनी थी तो उनके और भी शीर्ष नेतृत्व था, उनके बड़े लोग थे, उनके पार्टी के अपने नेता थे, अपने अध्यक्ष से बात करते, महामंत्री से बात करते, ना कि सोशल मीडिया पे इस तरह से जो उन्होंने इजहार किया उससे मैं सहमत नहीं आ रही है। उनको उनको अपने अधिकारियों से और शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहिए थी और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए था, और हर आदमी स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया और उनको लगा है कि कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई है तो जाहिर सी बात है कि ये उनका अधिकार है, मगर ये जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर आ करके और इस तरह के इल्जाम लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे मैं सहमत नहीं हूँ, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, विनीत शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विनीत भाई, देख रहे हैं आप कि समाजवादी पार्टी में लगातार समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये कह रहे थे कि विधानसभा में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सही तरीके से काम नहीं करने देंगे अगर वो जनता के हित में काम नहीं होगा तो, लेकिन पार्टी के अंदर ये जो गतिविधि हो रही हैं जिसमें उनके खुद के नेता सामने खड़े हो गए हैं अखिलेश यादव के, ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं सोचा, नहीं कुछ किया जा रहा है, तो इससे आप लोग कितना सहमत हैं, कितना सही आपको ये लगता है कि ऐसा सच में है? नहीं देखिए, आज के समय में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की है, जो उत्तर प्रदेश का जनादेश आया है जनता जनार्दन का, वो भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को ये जनता का जनादेश आया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जाति पंथ मजहब को लेकर के चलती थी, लोगों को बांट करके राजनीति करती थी, उनका कहना था कि ये वोट हमको देते हैं फलाने जात के, ये जात के देते हैं तो इनका काम करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चली और बिना भेदभाव के
पारदर्शिता के साथ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का डिलीवरी सिस्टम था, जिस तरीके से लोगों तक अंतिम पंक्ति तक हमने लाभ पहुंचाने का काम किया, उसी को देखते हुए आज विकास की राजनीति को लोग पसंद करते हैं और कानून का राज स्थापित हो उत्तर प्रदेश के अंदर, शांति व्यवस्था रहे। कोई नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप भूमाफिया पनपे, दंगाई पनपे, या प्रदेश की पहचान दंगा प्रदेश के नाम से हो। अच्छा, अंधेरा ये भी कहा जा रहा है विनीत भाई, ये भी कहा जा रहा है, पहचान अब मिटा करके उत्तर प्रदेश की जनता ने अब विकास पुरुष को चुना है। एक सवाल, जिसने देखा है कि उजाला प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं, वन एक सवाल है, वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिलेवार लोगों को रोजगार पहुंचाना, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, सड़क की व्यवस्था, बिजली पानी सड़क की सभी की व्यवस्था समान बिना नहीं, ये तो आपके काम हो गए, ये तो ठीक है, ये तो जनता दिख रही, जनता को दिख रहा है, विपक्ष को भी दिख रहा है। लेकिन एक बात है जो लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बीजेपी ही करवा रही है ताकि पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसके अंदर फूट पड़ जाए, तो ये सब काम आप लोग क्यों करवा रहे हैं, क्या मिल रहा है इससे आपको? ये आप ये बताइए, अपने चाचा के साथ उनका व्यवहार जो रहा, उनको विचारों को हत्थे पर बैठा दिया चुनाव के दौरान, ये भाजपा करा रही है? उनकी छोटे भाई की पत्नी पार्टी छोड़ रही है क्योंकि पार्टी के अंदर राष्ट्रवाद का कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। अगर राष्ट्र की बात कोई करता है तो उसका विरोध होता है। जो भारत माता को डाइन कहे उसको सम्मान मिले और जो भारत माता की जय कहे उसको अपमान मिले, तो कौन रुकना चाहेगा? तो चाचा हो, बहू हो, मौसा हो, मामा हो, पिता हो, यहाँ तक कि पिता, जब पार्टी कब्जा की जाती है जिस तरीके से औरंगजेब का जमाना था आप सबने देखा है, उसी तरीके से श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को बेदखल करके जबरदस्ती पार्टी को कब्जा किया और वो अपने अहंकार और दंभ के कारण वो अभी अपनी जमीन ही नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए जनता जनार्दन अब उनको बैठने के लिए मजबूर किया। उनकी पत्नी चुनाव के दौरान इतना ऐसा आरोप लगाती, भगवा को जंग के रूप से जोड़ती हैं। आज जनता जनार्दन ने, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जंग का ताला लगा दिया है और हमें लगता है कि अब आने वाले 10-20-25 वर्ष समाजवादी पार्टी का तो उदय होने वाला नहीं है। अच्छा, वो तो जनता पार्टी का कमल खिला है और खिलता रहेगा। ये कह रहा था शिवपाल जी से तो बातचीत हो रही है आप लोगों की, अगर आजम खान भी नाराज होकर बाहर आते हैं तो क्या जेल वेल से भी निकालने का कुछ चलेगा आप लोगों की तरफ से प्रयास? देखिए, ये आप लोग कह सकते हैं कि कौन कहाँ रहेगा या नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी में अब उन लोगों की पूछ है जो अपराध में लिप्त हों, दंगाइयों का समर्थन करने वाले, मुर्तजा के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अच्छा। जो हथियार लेकर के हिंदू मंदिरों में कूद जाता है उसका समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया खड़े होते हैं। जो सच्चा मुसलमान होगा वो, या आम नागरिक जो जनता के हित में काम करने वाला होगा, उसका कोई सरोकार समाजवादी पार्टी से नहीं रहेगा। सिर्फ दंगाई बलवाई इस तरीके के लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है। ठीक, ठीक, मिसम जैदी, सुना आपने कई सारी बातें जो है विनीत शुक्ला जी ने कही हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुस्लिम दंगाई हैं, जो मुस्लिम अपराधी हैं, उन्हीं की जगह समाजवादी पार्टी में है और वही लोग समाजवादी पार्टी को पसंद भी कर रहे हैं, जो असली मुस्लिम है वो समाजवादी पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं। तो एक बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। जाहिर सी बात है नितिन जी, कि विनीत जी की मैं बात को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से एक बात को जो है वो मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जो इनके साथ आ गया वही सच्चा है। अब इनको वो मुसलमान भी सच्चे लग रहे हैं जो हमें छोड़ करके जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, मगर इन्होंने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी का दौर 10-20 वर्ष नहीं आएगा, तो ये जीत करके आए हैं, अच्छी बात है कि ये जीत गए, इनको बधाई हो, विधान परिषद में भी इनकी पूर्ण बहुमत हो गई है, मगर ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, इसका इनको याद रखना चाहिए कि ये भी कई वर्षों के बाद, तकरीबन लगभग 2 दशकों के बाद ये उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं और इनको दोबारा जनता ने मौका दिया है। और रही बात अपराधी की, जो अपराधीकरण की बात करते हैं, तो ये रजिस्टर अपराध करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपने द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा, अपने दुश्मनों पर, अपने विरोधियों पर,
ये बिल्डोजर चला करके और जैसे भी हो सकता है उनके दल पर प्रयोग करके अपने दुश्मनों विरोधियों पर नहीं अपराधियों पर बुल्डोजर अगर कहीं जाता है अपराध जो भूमाफिया है ऊपर लगा गरीबों के हक की जमीन छीनते हैं उन पर बुल्डोजर जाता है, बताना चाह रहे हैं आम आदमी पर नहीं जाता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिन अपराधियों पर जाता है तो समाजवादी पार्टी दिखाती है कि आप उन्हीं लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो भूमाफिया है। बात आ गई आप लोगों की। आरिफ महमूद हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए। आरिफ भाई, आप इस फैसले को या फिर इस समस्या को किस नजर से देख रहे हैं? जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने फैसला लिया है कि हम पार्टी ही छोड़ देंगे क्योंकि मुस्लिमों की पूछ नहीं है, और ये जो समस्या खड़ी हो गई है आपके गठबंधन में, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या ऐसा सच में है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की पूछ नहीं? देखिए नितिन भाई, एक तो हमारे जितने भी हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं किसी की आवाज मेरे तक आ नहीं रही है। अच्छा, मैं ठीक कराता हूं। आवाज सिर्फ मेरे तक आ रही है। ठीक है, मैं ठीक कराता हूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी देखिए नितिन भाई, अभी आजम खान साहब के तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान तो हुआ नहीं है, ना ही किसी रिपोर्टर ने जाकर के उनके लड़के अब्दुल्ला आजम से भी कोई सवाल पूछा, और ना उनकी तरफ से आई। एक विधानसभा के सचिव हैं सलमान राइन साहब, उन्होंने अपनी बात रखी है। हो सकता है उन्हें अब समाजवादी पार्टी ना अच्छी लग रही हो, तो उन्होंने सोचा हो कि आजम खान साहब के ऊपर हम एक बहाना लगा करके हम यहाँ से निकल जाएं, चले जाएं। विनीत जी हैं बीजेपी से, तो वो ये कह रहे हैं कि जो अपराधी विनीत जी हैं बीजेपी से साथ में डिबेट में, तो वो ये कह रहे हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के मुस्लिम हैं वही समाजवादी पार्टी में खुद को सही इस वक्त और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो सच्चे मुसलमान हैं वो सपा में नहीं रहना चाहते और वो छोड़ रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना गलत है। मुसलमान वो कहीं भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है सिर्फ अखिलेश यादव ही जी के साथ रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुसलमान है, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चुनाव में वोट भी दिए हैं मुसलमानों ने। मगर मेरा कहने का सवाल यह है कि देखिए, जहां पर सम्मान मिलता है, जिस भी कौम को सम्मान मिलता है या जो भी वर्ग के लोग हैं जिन्हें सम्मान जिस पार्टी में मिलता है, आदमी वहां पर रुकता है, ठहरता है। आजम खान साहब तो एक फाउंडर मेंबर है समाजवादी पार्टी के, वो कहाँ छोड़ करके चले जाएंगे? या उनकी तरफ से तो कोई ऐसी चिट्ठी वगैरह कुछ निकल करके आई नहीं। जब एक बहुत बड़ा हंगामा उड़ा था कि वो ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं, ओवैसी साहब उनसे मिलने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, तब भी ये सारी बातें सब गलत साबित हुई, झूठ साबित हुई। अच्छा, आपको तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगता आपको कि बीजेपी वाले जानबूझ के करवा रहे हैं? देखिए बीजेपी वालों का तो खैर अब एक ये बहुत बड़ा इनका प्रोपगंडा मैनेज तो है ही है। अच्छा, मतलब इन्हीं का शुक्ला करवा रहे हैं। सुनिए ये साम दान दंड भेद करके ये चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करते हैं और सत्ता हासिल करते हैं, ये तो इनका काम है। मगर ऐसा नहीं है, जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हम लोग भी जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, हम लोग भी जनता की मूल समस्याओं को उठाते हैं, गरीबों के साथ हम लोग खड़े रहते हैं, हर एक मामले को लेकर के सड़कों पर हम लोग खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी, अरे वो भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ प्रदेश के अंदर संघर्ष करने वाली पार्टी है या इन्हीं के पास सारे कार्यकर्ता हैं, सारे लोग हैं। हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं, मगर आज अभी तक समझ ही में नहीं आया कि भाई हमारी इतनी मेहनत के बावजूद हमें फल क्यों नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल चारों तरफ उठते हैं, हम लोग भी उस पर मंथन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का अपना एक प्रोपगंडा है। और हमें समाजवादी तो, पार्टी का तो कि बीजेपी का? नहीं, समाजवादी नहीं, सॉरी, बीजेपी का। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को एक प्रोपगंडा मंत्री भी इनको रखना चाहिए। अच्छा, ताकि वो जो भी इस तरीके की प्रोपगंडा ये ऐलान कर रहे, ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया करें, चोरी छुपे ना किया करें कि आजम खान, अब आप ये बताइए आजम खान साहब के ना उनके बेटे की तरफ से, ना उनके तरफ से, ना उनकी वाइफ की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, और टीवी पर डिबेट चलने लगी साहब कि आजम खान जो है छोड़ करके वो जा रहे हैं, आजम खान को ये हो रहा है, आजम खान तकलीफ महसूस कर रहे हैं, और एक साहब कह रहे हैं कि वो कपड़ों से उनके बू आती है। ये सब पता नहीं कहां से कौन लोग निकाल करके इस तरीके की बातें करते जाते हैं, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस वक्त डिबेट होनी चाहिए, सीधी सीधी महंगाई पर डिबेट करिए आप, सीधी सीधी नौजवानों के मसाइल पर डिबेट करिए आप, आज पेट्रोल डीजल पर डिबेट होनी चाहिए। आजम खान का आप पता नहीं कहाँ से ये लोग उठा करके लेकर के चले आए, आप ही लोग के लिए ले आता हूँ मैं ये सब।
नहीं नहीं हम लोगों भाई ठीक है, उन्होंने कह दिया पार्टी छोड़ दी चले गए वो इस्तीफा दे करके, वो एक सलमान नाइन साहब कोई इतने बड़े नेता तो है नहीं कि उनको पर एक स्पेशली उनको डिबेट बुला ली जाए, ठीक है ठीक है, मैं आता हूं लेकर के बात कर ली जाए, ठीक है मैं आता हूं, मैं आता हूं। शबनम खान हमारे साथ निषाद पार्टी से जुड़ी हुई है। शबनम जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? शबनम जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए अतीक खान हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। अतीक लगातार ये सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी के सामने खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप लोग भी गठबंधन में हैं। पहले ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि गठबंधन के नेता ही समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन से तो कोई नहीं गया, लेकिन उनके अपने नेताओं की तरफ से नाराजगी दिखाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ठीक नहीं कर रही है, तो ये जो सवाल खड़ा हो रहा है ये कितना सही है? हाँ ये बात अलग है, किसी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये बात बहुत आम बात है, लोगों पे कमियां निकालना, कोई अच्छा नहीं लगता उसमें कमियां निकालना। फिलहाल हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए भाजपा के दूसरे कार्यकाल में अपराध की रफ्तार दोगुनी हो गई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। हमें इन सब चीज़ों पे डिबेट करना चाहिए, जैसे बैंक लूट, बलात्कार, गोलीकांड, हत्याएं, ये सब निरंतर बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, पहले त्योहारों पे खुशियां बांटी जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया है कि अब नफरत बांटी जा रही है त्योहारों पर। अगर उसका आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आपको मैं बता दूं, अभी हमारे भाजपा के भाई साहब कह रहे थे प्रवक्ता जी कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मैं कहता हूं भाई साहब कहां सबका साथ है, आप बताइए कि आप ही के पार्टी के लोग एक विशेष समुदाय को रेप की बात करते हैं महिलाओं की, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? दूसरी चीज आपको बता दूं कि आप आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं एक विशेष समुदाय के लिए, आप बात करते हैं कि किसी के धर्म स्थल से आप डीजे बजाते हुए जा रहे हैं उसके धर्म स्थल पे झंडे गाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा है? आप समाज में नफरत बोए हैं, जबकि आज जरूरत है तो महंगाई पे बात करने की जरूरत है, स्वास्थ्य पे बात करने की जरूरत है, शिक्षा पे बात करने की जरूरत है, गरीब मजलूम शोषित वंचित इन लोगों की आवाज उठाने की जरूरत है, लेकिन आप लगे हुए हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सब चीजों पर, इन सब मुद्दों पर आप बहस करिए, दूसरे की कमियां ना निकालिए ना दूसरों की कमियां देखिए। जी ठीक है, विनय शुक्ला सुना आपने कि कई सारी चीजें जो है वो अतीक खान ने कही, क्या जवाब है आपका? मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी बातें इन्होंने बताई वो राजस्थान के अंदर दंगा फसाद और इस तरीके की करौली में एक घटना हुई, और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि रामनवमी का भी त्योहार और रमजान का भी चल रहा है, एक कंकड़ भी कहीं नहीं इस इधर से उधर हुआ है, सब शांति के साथ अपने अपने त्योहार मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अब कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था कायम है। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 5 वर्ष लोगों को विकास दिखा है, उसकी रफ्तार दुगनी जरूर हुई है। अपराध पर बुलडोजर जरूर चल रहा है, जो अपराध करने वाले हैं दंगाई हैं, भूमाफिया हैं, अगर किसी गरीब की हक की जमीन छीनते हैं तो उन पर निश्चित ही बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन बेचैनी इन लोगों को उनके लिए चिंता हो जाती, ना कि इनको आम नागरिक की चिंता करनी करते हैं ये लोग। प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद ने गरीबों की इतनी बड़ी जमीन कब्जा कर रखी थी, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, समुदाय को लेकर के सिर्फ चिंता करते हैं, तो कम से कम उन लोगों की भी चिंता करिए जो गरीब थे, जिनकी जमीन गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ था उसको ये लोग लूट के बैठे थे, आज उस पर बुलडोजर चला करके हमारी सरकार ने ये दिखा दिया और भूमि पूजन करके उन पर गरीबों के आवास बन रहे हैं, तो कम से कम इसकी चिंता करनी चाहिए कि गरीबों को आवास मिले, इन भूमाफियाओं को न मिलने पाए, तो इस पर कभी बोल दिया करिए। अच्छा ये आरिफ भाई कह रहे थे कि कुछ प्रोपेगेंडा भी आप लोग सेट कर रहे हैं, समुदाय के त्योहार हो, मैं कह रहा हूँ मुस्लिमों के त्योहार हो, रमजान अभी चल रहा है या हमारा रामनवमी का या अभी नवरात्र बीता, आपने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिरों में हो या मस्जिदों में, सब जगह पर शांति व्यवस्था, एक भी कंकड़ कहीं भी नहीं फेंका गया और नहीं चला, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल होने वाला है, शांति के साथ सभी समुदाय के लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सारे मिथक तोड़ करके
दोबारा भाजपा की सरकार बनती है और दोबारा जिनको कहा जा रहा था कि दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते, दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए अब जनता के अंदर विश्वास बढ़ा है, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है, विकास की योजनाएं तेज गति से दुगनी रफ्तार से डबल इंजन की सरकार में चल रही है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इन दलों के बहकावे में आने वाले नहीं। ये आरिफ महमूद कह रहे थे कि ये प्रोपोगंडा रचा जा रहा है और आप ही लोगों की तरफ से रचा जा रहा है, किसी को मंत्री बना दीजिए प्रोपोगंडा, ये सारी चीजें क्या कह रहे थे वो? ये आरिफ मोहम्मद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग यही काम करते हैं, लेकिन इनका कुछ काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सबको नकार दिया क्योंकि ये लोग सब जात देख करके बांटते थे, चाहे वो बिजली हो, कोई भी सरकार की योजना हो, उसको जात और धर्म के नाम पर देख देख करके बांटते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। आरिफ भाई, आपने सुना विनीत शुक्ला जी ने क्या कहा? विनीत शुक्ला जी ने कहा कि आरिफ भाई तो इस तरह की बात कहेंगे क्योंकि प्रोपोगंडा रचना असल में आप लोगों का ही काम है और आप ही लोगों की वजह से ये सारा गुड़ा गणित जो है राजनीति में चल रहा है उत्तर प्रदेश की। अरे भाई, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अरे भाई, विनीत भाई से मैंने आपका सवाल पूछा जो आपने कहा था प्रोपोगंडा वाला, तो विनीत शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि आरिफ भाई या आरिफ भाई जैसे लोग ही इस तरह का प्रोपोगंडा रचते हैं और इसी वजह से इस बात को वो बोल रहे हैं। देखिए, आवाज तो नहीं समझ में आ रही, आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल मैं उस मैं कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं उसको सही करा करके आपके पास वापस आता हूँ। आवाज साफ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जल्दी सही कराइए। हाँ, मैं सही कराता हूँ इसे। मिसम जैदी, आप जुड़े हुए हमारे साथ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? फिलहाल अतीक खान हमारे साथ सिर्फ जुड़े हुए हैं, अतीक खान से हम पूछने की कोशिश करेंगे। अतीक भाई, आपने सुना विनीत शुक्ला ने क्या कहा, उस बात का कोई जवाब, कोई काउंटर आपके पास? क्योंकि उन्होंने कहा कि आरिफ भाई ने जो बात कही थी कि प्रोपोगंडा रचा जा रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रोपोगंडा रचने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आरिफ भाई जैसे लोग ही इस प्रोपोगंडा को रचते हैं और उसी की वजह से राजनीति उत्तर प्रदेश की इस मुहाने पर है। देखिए नितिन भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, अब लोगों पर आरोप प्रत्यारोप ही इनके लगाने का काम रहा। मैं कहता हूँ विनीत भाई से, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके बेरोजगारी के मुद्दे कहाँ गए? आपने कहा था कि 100 दिन में रोजगार दे देंगे, पिछले में ही कहा था, वो तो पूरा किया नहीं, दूसरे टर्नओवर में आप आ गए, यहाँ भी कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य सेवाएं आप देख लीजिए, दवाइयाँ इन्होंने 800 से ज़्यादा दवाइयों का रेट बढ़ा दिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। एक गरीब आदमी कैसे पैसे की व्यवस्था कर रहा है, कहाँ कहाँ से बेचारा मजदूरी करके, इन्होंने महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो वो इलाज कहाँ से करवाएगा, और जो बेसिक दवाइयाँ हैं जो आमतौर पर ली जाती हैं उन सब के रेट इन्होंने 10% से ज़्यादा बढ़ा दिए। अब रही बात महंगाई की, डीजल पेट्रोल को आप देख लीजिए, जब तक चुनाव था तब तक इन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट को एकदम नॉर्मल रखा, चुनाव खत्म होते ही प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मोदी जी एक ही दिन 200 कर दें, झंझट ही खत्म हो जाए। डेली मारने से अच्छा जनता को, जनता के डेली इतना बोझ डालने से बेहतर है, मुझे लगता है कि एक ही बार में बढ़ा देना चाहिए। रही बात, आप आते हैं साग सब्जियों पे, नींबू का दाम देख लीजिए आज, सेब और संतरे और सारी चीजों से महंगा हो गया है, सारी सब्जियों के दाम इन्होंने बढ़ा दिया है। रोजगार तो है नहीं, बंदा शाम को सब्जी कहाँ से लेकर के जाएगा? ये सब समस्याएं बहुत ज्यादा विकराल होती जा रही है, न रोजगार है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश और देश दोनों भुखमरी की तरफ जा रहा है। तो मैं विनीत भाई से कहना चाहूंगा कि आप प्रोपेगेंडा को आप हटाइए और कहीं ना कहीं आपकी सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जनता ने आप पे विश्वास किया है, तो इस विश्वास को आपको पूरा रखना है, जनता के विश्वास पे खरा उतरना है। और रही बात एमएलसी के चुनाव में, तो नितिन भाई आपको बता दूं, ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, धन बल बाहुबल भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और आप अभी विनीत भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जाति की और किसी अपनेपन की बात नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी के ही जाति के लोग सारे लोग उसमें जीते हैं। अभी आप ही के चैनल पर मैंने देखा और सुबह से कई चैनलों पर मैंने देखा भी है। तो मैं कहता हूँ कि जातिवाद कहाँ है, जब टिकट ही आपने अपने ही बिरादरी को दिया है तो जाहिर सी बात है वही जीत के आएंगे। तो दूसरा करे
तो आपको जातिवाद लगता है, आप करें तो आपको कोई जातिवाद नहीं लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। दूसरों के गिरेबान में झांकने से बेहतर मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में इनको झांकना चाहिए। आरी भाई बताइए। हाँ नितिन भाई, हमारा सवाल ये है, चलिए आजम खान साहब का, आजम खान साहब के मुद्दे पर आज आप डिबेट लेकर के आए, इसी से जुड़ी हुई कड़ी से एक सवाल मैं अपने विनीत भाई से पूछना चाहता हूँ, बड़े वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर आजम खान साहब क्या समाजवादी छोड़ दें तो क्या आप महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी? आजम खान साहब एक मुद्दा है, आप बताइए यार, एक सवाल का मेरे ही जवाब दे दीजिए आप। जो इतनी अहमियत दी जा रही है कि उनके लोगों ने ये कह दिया, भारतीय समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात हो रही है, अखिलेश यादव के खेमे में जो है बिखराव पैदा हो रहा है, तो इन सब चीजों से क्या कुछ महंगाई कम कर देंगे आप? आप बताइए, अगर ऐसा हो तो आप आजम खान से हम लोग भी चल करके बात करें, भाई आप चले आइए, आपकी वजह से पूरी 125 करोड़ जनता की महंगाई कम हो जाएगी, कौन से रोटी खाएगा वो? ठीक है, विनीत शुक्ला जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से मेहमानों की मिसम भाई की आवाज, मिसम भाई आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ मिल रही है। जी बताइए विनीत शुक्ला जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मिसम भाई, ये अहम बात है, विनीत शुक्ला ये कह रहे हैं कि आरिफ भाई ने एक बात कही थी कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रोपोगंडा रचा जा रहा है ताकि ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में खड़ी हों और विपक्ष कमज़ोर होए, लेकिन विनीत शुक्ला कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा तो खुद समाजवादी पार्टी के नेता ही खड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अपने आप में चुप कर रहे हैं, आप क्यों उसको संज्ञान में आप ले रहे हैं? वो अपना बोल रहे हैं, अपनी पार्टी को अपनी आवाज उठा रहे हैं, आप उसी पार्टी में आप क्यों उससे चले जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी गठबंधन में आप क्यों जा रहे हैं? भाई हम तो गठबंधन के लोग बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं, इस तरह की कोई बात कर रहे हो? अरे भाई आप सरकार चला रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, और हमारे पार्टी के आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम लोग मुद्दा बनाकर क्या करेंगे? उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है, उनके बयान आने के बाद ही कोई बात का डिसीजन हम ले सकते हैं? अपनी पार्टी आप चला नहीं रहे, महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नौजवानों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी गठबंधन में आ रहे हैं पार्टी की, तो मैं ये सोचता हूँ कि आवाज ये बताती है कि हमारे यहाँ अगर जरा सी कोई सरकार बना करके तो आए हैं, चर्चा का विषय हो जाता है, सरकार बनाइए बस नहीं, कि उनके पार्टी के लोग उनके पार्टी कार्यालय में मिठाई बांटने का काम शुरू, लोगों को न्याय देना चाहिए, और महंगाई को आप कम करिए, आरोप लगा रहा है देश के अंदर पढ़ाई पढ़ाई मची हुई है, और उत्तर प्रदेश मुसलमानों के नेता है, मुसलमानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुसलमानों के नेता नहीं है, गरीबों की प्रदेश के और हमारे देश के नेता है, इस देश का वो चश्मा चिराग है की जिनकी वजह से तमाम गरीबों की वो आस है, तमाम उन नौजवानों का वो एक मजबूत पिलर है जो उनकी आवाज उठाते हैं, वो सबके नेता है, और वो चाहे कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये कहना कि लगातार उन पर आरोप लगाना को मुसलमानों के नेता है, और देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी एक गंभीर नेता है, और वो इस तरह का कोई भी बयान किसी की बात से सुन करके जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो वो इस तरह का कोई बयान नहीं देते। अगर कोई भी आदमी जो हमारे पार्टी का, अगर वो मेरी बात सुन रहा है या पार्टी के बाहर का है, तो मैं उससे निवेदन करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक अपने आप में एक वजन है, और वो कतई जो है इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के रोड पर और वो सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, इसी से ही उनका जग जाहिर होता है उनकी पर्सनालिटी का, कि वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना वो किसी एक कबीले के अध्यक्ष हैं, और ना वो किसी एक प्रांत के, किसी एक शहर के, और किसी एक मोहल्ले के अध्यक्ष हैं, और उनका सम्मान करना चाहिए सभी को। अगर मैं कहता हूं किसी को पार्टी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो अपने शीर्ष नेताओं से बात करे, और जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय ले, और जाकर के उनसे मिले कि कहां पर कमजोरी हो रही है, जब हमारी सरकार है नहीं और हम कोई इस तरह का फैसला कर नहीं सकते हैं, तो हमसे इस तरह की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी होनी चाहिए कि हम तो कहीं पर है ही नहीं। जो बात मुद्दों की है भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान दे कि जो सरकार बना करके आई है कि वो सारा समय तो हमें निकाल देगी, फिर 5 साल बाद कहेंगी कि साहब हमको समय नहीं मिल पाया, तो मैं चाहूंगा कि वो काम पर फोकस करें और गरीबों नौजवानों को और प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए आगे संगत करें और उनके लिए कार्य करें। ठीक है, शबनम खान आपको आवाज मिल रही मेरी? शबनम जी आवाज मिल रही आपको मेरी? इतनी स्लो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिस वजह से आवाज़ नहीं मिली। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अब सत्ता मजबूत होती जा रही है, चाहे वो विधानसभा की बात कर ली जाए या विधान परिषद की बात कर ली जाए, और उसके दूसरी तरफ देखें जिससे जनता ने उम्मीद जताई कि जनता के सवालों के लिए सरकार के सामने वो सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, उनके अंदर जो फूट पड़ रही है इससे काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश में माहौल जो है राजनीति का वो बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।